शाबाश, इसकी गला खोल, इसका अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी, जो इस समय परमेश्वर अपने हाथों को उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, इनके हाथों को देख मेरे प्रभु, सच में पवित्र आत्मा जी, आज इनके हाथों की ओर देख पवित्र आत्मा, कोई भी जन पवित्र आत्मा बिना ब्लेसिंग के जाने ना पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। सच में जो लोग हाथ उठाते हैं उनके हाथों को देख पिता परमेश्वर, क्या ये चर्च में उठाते हैं कि सुबह भी उठाते हैं परमेश्वर? पवित्र आत्मा तू मनों को जांचने वाला, हाथों को देखने वाला परमेश्वर है, तूने सच में परमेश्वर अपनी हथेलियों पर पवित्र आत्मा जी, सच में पवित्र आत्मा इनके नाम लिखे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन के नाम चेक कर आज, कौन कौन लोग हैं वो परमेश्वर जो सुबह शाम पवित्र आत्मा जी हाथ उठाते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं तेरे सामने परमेश्वर। इस साल में पवित्र आत्मा जी इनकी डिफरेंट गवाहियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनकी ठहरने पाए, विश्वास करने वालों के लिए होगा ये आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले अपने लोगों को आज यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग इस समय स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हर संडे आज चर्च हरा भरा लग रहा है, हालेलुया, वो लोग इस साल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो चर्च में खड़े हैं, आप लिख लो अपनी डायरी पर आज की डेट और आज कब टाइम। परमेश्वर ने कहा कि आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका चर्च में आना व्यर्थ नहीं है। पिछले कैबिन में लाइटें लगा सरदार जी, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, बोला हालेलुया। आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं रहने देगा, आप बड़ी अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबके पास प्रभु बोझ है, अपने प्रभु बोझ को अपने हाथों में उठाएंगे आज, और प्रभु बोझ लेने वाला मेरे साथ प्रेयर करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बोझ का मतलब, इसी समय जो लोग अपने हाथ में ब्रेड पकड़े हुए हैं, आज प्रभु बोझ अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो एक वचन पढ़ेंगे और मेरे साथ लेंगे आज। भजन संहिता 4 अध्याय उसके 3 में लिखा, प्रभु बोझ लेने वाला, उसके बेनिफिट हैं प्रभु बोझ लेने के। प्रभु बोझ लेने के बेनिफिट क्या हैं? जब वो पुकारेगा परमेश्वर उसकी सुनेगा। यस आमीन। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, लिखा यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु बोझ आपको अलग करता है संसार से, अलग मतलब उन कामों से जो आपने प्रभु में आने के बाद छोड़ दिए, अब तुम उन चीजों में नहीं जाओगे। कह रहे हैं कि अपने आप को अलग करना है। वो गाली देते हैं, हम नहीं देते, वो झूठ बोलते हैं, हम नहीं बोलते, वो ठट्ठा करते हैं, हम नहीं करते। भजन संहिता स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इंग्लिश में सैम 4:3 में लिखा है, जान रखो कि यहोवा ने तुम्हें अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा वो मेरी स्वर्ग से सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज आपको डिफरेंट होकर, इसका मतलब परमेश्वर डिफरेंट होना चाहता है कि डिफरेंट होकर दिखाओ, और डिफरेंट इस साल में आपकी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ में पकड़े और इसी समय परमेश्वर को कहें, पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर इस प्रभु बोझ को याद करता हूं कि तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, 3 मुर्दों में से जी उठा। कोई बलिदान व्यर्थ नहीं है, तेरा बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा परमेश्वर। हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करे, मुंह से बोले आज जो मैं कह रहा हूं वो कहूं परमेश्वर को। आपको आशीष लेने का तरीका सिखा रहा हूं, जो प्रभु बोझ लेता है वो शैतान की ताकत को लूज करता है, लूज। याद रखना, जब कोई मरने लगता है तो उसकी हड्डियां, उसके लीवर, उसकी किडनियां, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तब वो आदमी मरता है। ऐसा ही शैतान भी है, जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो शैतान की ताकत मरना स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर से। आमीन। आपके बिजनेस में अगर कोई शैतान है, सेवकाई में, आपके जीवन में कोई शैतानी ताकत काम कर रही है, आपको आजाद नहीं होने दे रही, अगर आपने बपतिस्मा लिया है,
तो मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपने शैतान की ताकत को मार दिया अपने अंदर से, यीशु मसीह के नाम में। आप जब मरते हैं, शैतान जब मरता है जब एक पापी उद्धार पाता है, शैतान जब मरता है जब एक पापी पश्चाताप करता है। मैं जब फौज में था तो मेरा CHM जो था वो मेरे को बोलता था फ्रंट रूल। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा फ्रंट रूल कैसे होते हैं। हाँ, एक लड़का आएगा कोट पैंट वाला जो अच्छा सा लग रहा हो, आजा काले फ्रंट रूल, आजा फ्रंट रूल, इसको मैं सिखाऊंगा फ्रंट रूल क्या होता है। हाँ, ऐसे सिर रखो, सिर सिर धरती पे लगाओ और अब उठो, अबे सिर लगा और उठो, कलावा तीर का कमर लगा, इधर चल शाबाश, जाने दे, छलांग लगा, इधर चल लगाओ शाबाश, चलो जाओ, और करते रहो करते रहो, ऐसे करते रहो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है पता है? ये फौज में सिखाया जाए, जब फौज में गलती करता है तो उसको फ्रंट रूल कराते हैं। हालेलुया। अब उसको चक्कर बहुत आ रहे होंगे। जब आप पाप से तोबा करते हैं तो शैतान के फ्रंट रूल लगवाता है लूसीफर, कहता है अबे तेरे राज में ये लोग क्षमा कैसे मांग रहे हैं, ये पाप को कैसे छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने शैतान को चक्कर दे दिया आज यीशु मसीह के नाम में। उसको लड़के को चक्कर आ रहे हैं ना, दौड़ के मेरे पास। हाँ, चक्कर आए आपको? यस पापा, चक्कर आ रहे थे? हाँ जी। हाँ, शैतान को भी ऐसे चक्कर आते हैं। जाओ शमश, इसी समय अपने हाथों में उठाओ, फिर से कहो कि पवित्र आत्मा जी आज मैं इस समय परमेश्वर अपनी आशीषों को स्वर्ग से ले लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, का मतलब कि आज से पवित्र आत्मा मैं पाप की जिंदगी को छोड़ता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, इनके बड़े बड़े काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक नया अभिषेक आने पाए, एक नई सामर्थ्य आने पाए, ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए, इनके हार्ट किडनियां लीवर आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अरे एक जन आज आशीष बदल जाए, आज की आवाज में दम आए, इनकी प्रार्थना में नई ताकत आए, आज इनकी हड्डियों में नया मस्सा आए, आज ये लंबी आयु जीने पाए परमेश्वर, ये तेरा काम ज्यादा करने पाए परमेश्वर, ये सेवा में बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने मेरे साथ ले रहे हैं आज कहो आमीन। और प्रभु बोझ लेने वाला आज मैं कह रहा हूं कि नई आशीष को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब लोग अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन पर दिखाओ जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं, मेरे साथ लेंगे सब, मेरे साथ रूहे पाकी खुदा, 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 छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, बोलो छेती छेतिया मेरे प्रभु। बोझ लेने वालों के पास परमेश्वर आए, उसका हाथ आए, उसकी बरकतें आए, यीशुआ अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च, यीशुआ यीशुआ, छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, बाकी खुदा रुके, 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 बाकी खुदा छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया, यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। जिन लोगों ने प्रभु बोझ लिया आज पवित्र आत्मा बात कर रहा, जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं हमारी ब्रांचों से, यूपी से, राजस्थान से, क्या परमेश्वर, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, नागपुर से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, दिल्ली से, हर जगह पर हमारी ब्रांच है, फॉरेन से, पाकिस्तान से, क्या नेपाल से, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ग्रीस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, कीनिया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
जिनके नाम ANRSGHPLKD से हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब की गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम। या मेरे बल छती छती या ना चले, ले लो ले लो ले लो ले लो इस भविष्यवाणी को। या मेरे बल छती छती या जो ना चले वो सप्लाई दे रहा है। छती छती या छती छती या मेरे बल छती छती या। हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे कहा यू आर सप्लायर, आप एक सप्लायर है। जब आप हाथ उठाते हैं तो साथ वाला भी हाथ उठाता है। yes. लोग आपको देखकर उत्साहित होते हैं। आपको परमेश्वर ने एक सप्लायर बनाया है। yes. जब आप हालेलुया बोलते हैं साथ वाला भी हालेलुया बोल रहा है। yes. आप उसको जोश दे रहे हैं आज। हाथ उठाने वाले लोग हिलाकर आज इसी समय आप एक सप्लायर बन रहे हैं। yes. जब आप भविष्यवाणी में उछलते हैं और रिसीव करते हैं आमीन बोलते हैं। Amen. आप एक सप्लायर है, मूसा एक सप्लायर है, जीसस एक सप्लायर है, मैं एक सप्लायर हूं। जो इस समय वो हम जैसे पाइप के अंदर से, हम एक पाइप ही कहेंगे अपने आप को, जो पाइप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जो ट्रेन का डब्बा जुड़ता जाएगा, मैं कह रहा हूं उनको वो सप्लाई उन्हें मिलती जाएगी यीशु मसीह के नाम। आमीन बोलकर सप्लाई ले लो आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे पास्टरों पर, विश्वासियों पर सताव हो रहा है। प्रभु ने कहा चिंता ना करो, मैं उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हें सेवा करने का अवसर दूंगा यीशु मसीह के नाम। उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपको प्यार करता है। आप शांति के साथ कानून के बीच में सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आपसे बातें कर रहा है जिनके नाम ऐसे NRSPD और M से, Y से, F से, N से, G से, ARGM। याद रखना आप सितंबर से पहले अपने मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम। मेरे बल छती छतिया, मेरे बल छती छतिया। अपनी अपने गले को खोलो आज, अपनी आवाज को खोलो आज। यीशु कहता है गले के बंधन खोल ले, गले के बंधन खोल ले ऐ यरूशलेम, गले के बंधन खोल ले आज ऐ यरूशलेम, गले के बंधन खोल ले। आप हैं वो यरूशलेम उसका। आएगा वो पवित्र आत्मा आपके पास, आएगा वो आपके दर्द को दूर करने के लिए जितने गा रहे हैं, आएगा आज आपको छुटकारा देने के लिए, बंधनों से आजाद करने के लिए, वो आएगा आज आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए आज आएगा। जिन्होंने आज डिफरेंट होने का फैसला लिया, जिन्होंने आज भक्ति करने का फैसला लिया, हाथों को उठाया हुआ है, वो आएगा आज, वो आएगा आज, आजाद हो जाओ आज। ए लड़की भक्ति परमेश्वर का पसंद आ रही है, हाथ उठाओ। हालेलुया। जो लोग हाथ उठा रहे थे, जो लोग वर्शिप कर रहे थे, आप अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे इस वर्ष। प्रभु ने मुझे अभी कहा बहुत सारे लोग अपने फाइनेंस में आशीष को देखेंगे। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यूके में, इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह हैरी को बना दिया जाएगा। हैरी है कि हैनी है, उसको बना दिया जाएगा। आपको पता है, मैंने नए साल पर भी कहा था यूके में किसी को हटा दिया जाएगा ऊंचे पद से। मैं देख रहा हूं किसी फिल्म स्टार की हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी। कोई बड़ा पॉलिटिशियन नाम होगा उसका, डेथ हो जाएगी उसकी। मैं उसके नाम, हो सकता है एल से हो,
या एम से हो या एस से हो, मैं से कुछ देख रहा हूं, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन में से इंडिया में ऐसा होगा, और प्रिंस, ऐसे कुछ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो रही है जो फॉरेन में, यूके में मुझे देख रहा है। मैं देख रहा हूं कि फिर कह रहा हूं, अगर आपके बच्चे, बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, जो प्रभु का भय नहीं मानते, प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि वो फॉरेन में जो बच्चे हैं तंगी में रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी, काम नहीं मिलेगा, भाग कर आएंगे कनाडा 2025 वापिस आ जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, यूरोप में प्रॉब्लम आएगी, अमेरिका में, मैं बहुत सारी आग ही आग देख रहा हूँ, आग ही आग, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, मार कुटाई चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पत्थरबाजी चल रही है, शीशे तोड़ रहे हैं, आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, पवित्र आत्मा। लेकिन कह रहा है जो लोग प्रभु के लोग फॉरन में बसे हुए हैं, जो विश्वास करते हैं, प्रभु उनके गेट पर एंजल भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कोरोना के टाइम में भी खाने पाए, अब भी वो खाने पाएंगे, परमेश्वर उनका चरवाहा है, यीशु मसीह उनका चरवाहा है, उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। ये परमेश्वर की ओर से, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। आप देख सकते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया था केजरीवाल सीएम जो दिल्ली के, उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, कितनों को पता उनके ऊपर प्रॉब्लम आई, नए साल से पहले बोल दिया गया था। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जो जो भविष्यवाणियां दिया वो पूरी हुआ। हर एक जन झूठा भविष्यता नहीं होता, कुछ चुने हुए होते हैं प्रभु की ओर से। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में खड़े हैं, पवित्र आत्मा जिन्होंने इस समय हाथ उठाए हुए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप 52 डेज के अंदर आज की मीटिंग में आप आशीष को देखेंगे, आप अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी ग्रोथ होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी उन्नति को होते देखेंगे, आप अपने प्रेयर लेवल को बढ़ता हुआ देखेंगे, अन्य भाषा का वरदान उतरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 आमीन। सब पुकारे शाबाश, अपने स्थान पर बैठ जाएं सब। पवित्र आत्मा ने छुआ बहुत सारे लोगों को आज, और इसी समय अपने स्थान पर बैठ जाएं, परमेश्वर का आत्मा छुए, बरकतें दे आपको यीशु मसीह के नाम में। जहां सुन रहे हो अबलबा शबलबा बलबा शबल, आगे कोई नहीं आएगा, बाकी पीछे रहे, अपने स्थान पर बैठे, सब बैठ जाए अपने स्थान पर। अभी मैं से जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बहन को दिखाया, इधर लेफ्ट साइड में मुझे कुछ एंजल दिखाई दे रहे हैं इधर, और इसी समय एक आवाजें आ रही हैं। आप समझ रहे हैं, जब आप गीत गाते हैं तो भविष्यवाणी निकलती है। अलीशा, अलीशा ने कहा, जब इसराइल में काल पड़ा तो अलीशा के पास लोग आए और अलीशा ने कहा गीत गाने वाले को लाओ, तबला बजाने वाले को लाओ, आज ना आंधी आएगी ना तूफान चलेगा, ये खड्डा पानी से भर जाएगा। याद रखना, करें कि आपकी करें बैंक बैलेंस में खड्डे हो गए हो, खाली हो गया हो, आज भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, भरेगा आज वो, करें क्योंकि यीशु मसीह एक गड्ढे में पड़े हुए को, बाइबल बोलती है कि वचन, परमेश्वर का वचन आपको गड्ढे में से बाहर निकालता है। हो सकता है आप समस्या के गड्ढे में हो, किसी बीमारी किसी कर्जे के गड्ढे में हो, लेकिन परमेश्वर आज निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जितने चाहते हैं आज हाथ उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं बाहर आना चाहता हूँ। बोलो मैं बाहर आना चाहता हूँ। घुमाता रहे कैमरा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज आपको बाहर निकालने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालने के लिए जा रहा है आज, आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब बहुत सारे लोग इसी समय छुटकारा पा रहे हैं। घुमाता रहे कैमरा में, कैमरे में स्क्रीन की तरफ आशीष दे रहा हूँ आज लोगों को, स्क्रीन की तरफ आशीष दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कैमरा घुमाता रहे शाबाश। थैंक यू जीसस। सुनो सुनो, मैं किसी बहन को देख रहा हूं, ऐसे मुस्तकीम 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 मुस्तकीम, कौन है कोई लेडीज है यहां पर ऐसे मुस्तकीम?
उसका नाम ऐसे दौड़ के जाओ देखो कौन है। हाँ हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाओ। मुस्तकीन कौन है? ऐसे कोई किसी को जानता है? हाँ मैं से देख रहा हूं कोई ऐसे कोई जामनी जामनी मैं से होली स्पिरिट मुझे ऐसे कोई उसका कलर दिखाता है जामनी जामनी समझते हैं जामनी अपनी आशीष को खराब ना करें। जो भी है कोई जल्दी से हाथ उठाकर बताओ। हालेलुया पीछे बैठे हो आगे आ जाओ। हाँ हाँ प्रभु जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ। कि कोई मुस्तकीन है हाँ। और ये बहन बता रही है मेरा नाम मुस्तकीन है। छेती छेती आ मेरे हालेलुया हाँ। पीछे अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर ये जामनी है कि रेड है कोका कोला जामनी हाँ जो भी है कलर सेम हाँ। बेटे क्या नाम है आपका? मुस्तकीन है। मुस्तकीन हालेलुया। सुनो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हाँ हाँ इंग्लिश इंग्लिश पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहाँ गया? सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ आपका नाम मुस्तकीन है। Is your name मुस्तकीन? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा Holy Spirit told me, परमेश्वर का आत्मा आज आपको नीचे से ऊपर उठाएगा। Holy Spirit is going to lift you up. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। You're not going to be same again. आप आशीष को लेकर जाएंगे। You're going to receive blessing from your life. जिन लोगों के काम नहीं बने the work of the people who are not becoming. वो स्माइल देंगे इस हफ्ते में। They're going to give smile in this week. मैं कुछ एंजल को देख रहा हूँ। I see some angels. वो एंजल आपके आसपास आ रहे हैं। The angels are coming around you. आप दिल खोल कर कहेंगे आज से। You're going to speak by your open heart. यीशु ने मेरी लाइफ में काम किया है। Lord has worked in my life. आपके आंसू पूछना बंद हो जाएंगे। Lord is going to clear all your tears. आपके आंसू आना बंद हो जाएंगे। Lord is going to clear all your tears. परमेश्वर एक स्वर दूत को भेज रहा है आपके पास। Lord is giving an angel to you. जितने निराश हैं आगे the one who are sad. जितने निराश हैं the one who are in sorrow. वो आशीष में बदलने वाले हैं। They're going, their life will change in happiness. अपने पड़ोसी से कहो tell to your neighbor. तू आज बड़ी आशीष को लेकर जाएगा। You're going to see big blessing today. बोलो today is my day. आप अपने हेल्थ के लिए अच्छी चीजों को खाना स्टार्ट करें। बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा Holy Spirit told me. इन दिनों में कुछ लोग खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। Many people are unconscious about their diets. जो सड़ावा मिलता है वो ही खाने लग जाते हैं। You are basically eating a rotten things. कुछ लोगों काम में इतने व्यस्त होते हैं। Holy Spirit आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you all. कुछ लोग काम में इतने व्यस्त होते हैं। Some people are so busy in their life. और वो खाना टाइम पर नहीं खाते। Their lunch schedule is very disturbed. उनको शुगर हो जाती है। They face problem of sugar. आप टाइम पर खाएं, टाइम पर सोएं। Please fix your routine. सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। You have to keep faith. ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। This is Holy Spirit. बाइबल बोलती है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। Bible speaks that you have to take care of your health. परमेश्वर आपका परमेश्वर है। God is a living God. आपको एक हफ्ते के बाद After one week, बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां नजर आएंगी। Many blessings are going to come in your life. Amen. और आप सही कहेंगे, आप कहेंगे कि सच में मैं इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं। And you are going to say that you are really connected with this. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। I thank the Lord. ये इस बहन से मैं बात कर रहा था। I'm talking to this lady. हाँ, lady, मुस्तकीन। मुस्तकीन। हाँ, सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you. आपके फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। There's a witchcraft working in your family. आपके पेट में अजीब तरह का दर्द होता है। You feel pain in your abdomen. आपके गले में अजीब तरह की प्रॉब्लम होती है जब खाना खाते हैं। When you eat food, you feel problem in your neck. Yes and no. Yes, sir. आपको चक्कर आते हैं। Yes, sir. और आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको आपको प्रॉब्लम है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। In your family, many are speaking पहले सुनना, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी सर।
Many are speaking in your family that you are having problem in your uterus. Yes, sir. उसको यूट्रस में प्रॉब्लम है और किसी ने आपको बोल दिया है कि बच्चा नहीं हो सकता. And someone has told that you will not conceive baby. मैं 12 साल से देख रहा हूँ. हाँ जी सर. एक ब्लैक मैजिक आपके पेट पर हो रहा है. For 12 years a witchcraft is working in your stomach. कितने साल से हो रहा है? 12 साल हो गए सर. 12 साल से. For 12 years. Holy Spirit asking. Holy Spirit is telling. Hallelujah. मजा आता है कभी कभी इंग्लिश बोलने में क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी. हालेलुया. विश्वास करना है. पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है. मेरी तरफ देख मेरी बहन. See me, sister. क्या आप मुझे गौर से देख सकते हैं? Can you look at me? क्या आप मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं? हाँ जी सर. Do you believe me as a spiritual father? असली के नकली? Real or fake? हैं? असली बोलूंगी सर. असली? हाँ. आपको आज से मेरे लिए दुआ शुरू करना है. You have to start praying for me. बच्चे के लिए नहीं. Not for your baby. कि परमेश्वर अपने दास को आशीष दे. You have to pray that Lord please bless my whole my अगर तूने अगर तूने 12 दिन ये मेरे लिए प्रेयर की. If you are going to pray for 12 days. और 12 महीने इस प्रेयर को करती रही. And for 12 months you are going to continue it. तो 12 साल का श्राप बांझपन का तेरे ऊपर से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में. A 12 years back curse is going to break from you. आपको गुड न्यूज मिलेगी. You're going to receive good news. मुझे हल्के में तो नहीं लगा रही? नहीं सर. मेरी बब्बो. विश्वास करना है. परमेश्वर आपसे प्यार करता है. You have to believe Lord loves you. सुनो, मैं से देखता हूँ कि एक जगह पर आप पहले कहीं और रहते थे, फिर मैंने एक रोहतक देखा. हाँ जी सर, रोहतक में रहती हूँ. ये सुनो. सुनो, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है. Holy Spirit is talking to you. मैं इतनी बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. मैंने सुमन को देखा. I have seen Suman. हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड है. आँखों से पर्दे हटाओ, प्रेस्टीज के गीत गाओ. बता देना उसको यीशु मसीह हमारा दोस्त है. You have to tell her that God is my friend. ये बात किसी को मालूम नहीं है. तेरी सहेली सुमन है. No one knows this that that Suman is your friend. परमेश्वर का मालूम है. But God knows. मैं एक ऐसे जॉब देख रहा हूँ, किसी की जॉब देख रहा हूँ. कोई डॉक्टर है कोई PGI के अंदर, कोई आसपास आपके घर में, कौन है वो? मेरा भाई भी है सर और मेरी वो भी है. वो कौन? मेरे हस्बैंड. This someone. वो खुद डॉक्टर है. हाँ जी सर. जोर से तारीफ करें. आँखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठे की सकाओ. खड़ी बजाओ. दर 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 ताड़ी बजाओ. डॉक्टर को भी यहां बुलाओ. नरेश. यस सर, मेरे हस्बैंड. पवित्र आत्मा तू बातें कर रहा है. परमेश्वर इसकी फ्रेंड को भी देख रहा है, इसकी फैमिली को भी देख रहा है परमेश्वर. और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो आपको भी देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. And the one who are present over here, Lord is watching you. पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है. The Spirit is giving His mercy upon you. आशीषें खुलेंगी. He's opening blessings upon you. यीशु के नाम में. In Jesus' name. आमीन. Amen. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. लेडी, अक्टूबर 10वां महीना. हाँ, क्या हुआ उस दिन? What happened on October? अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ है? कौन पैदा हुआ, कौन शादी हुआ? आँखों से पर्दे हटाओ. हेलो. दर 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 ताली बजाओ. दर 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 ताली बजाओ. उसकी महिमा दिल से. यीशु यीशु नाम चलाओ. यीशु यीशु नाम चलाओ. रूह में उसके झूम के गाओ. आँखों से पर्दे हटाओ. आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए. I'm
selling it for your knowledge. मुझे भविष्यवाणी करने का शौक है. I'm having the grace of doing prophecy. अपने लिए नहीं. Not for me. प्रभु की महिमा के लिए. But for the worship of the Lord. पवित्र आत्मा आपको देखता है. Holy Spirit watches you. सुनता है. He hears you. बहुत सारे लोग दर्शन को देखेंगे अब से. Many people are going to see visions from today. भविष्यवाणी का विजन आएगा यीशु मसीह के नाम में. The vision of prophecy from today. प्रभु आपको होने वाली घटनाएं दिखाएगा. Holy Spirit is going to see. आपको सुरक्षा देगा. He's going to protect you. Blessing देगा आपको. He's going to bless you. पवित्र आत्मा यहाँ पर. Holy Spirit is over here. Oh, ra 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 ra. एक डिवोर्स देख रहा हूँ. डिवोर्स. I see a divorce in your family. हाँ जी सर. किसका हुआ? मेरा ही हुआ था सर. Who had divorce in your family? आँखों से बोले Jesus. सारे बोलो प्रोफेसर. आंखों से पर्दे हटाओ. प्रेस्टीज के गीत गाओ. ताली बजाओ. ताली बजाओ. यीशु नाम सुनाओ. यीशु नाम सुनाओ. रूह में उसके झूम के गाओ. आंखों से पर्दे हटाओ. जीसस गीत गाओ. हालेलुया. हेलो. धड़ 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 ताली बजाओ. मैं किसी एक ब्लैक मैंगो को देख रहा हूँ येलो टी शर्ट में. ब्लैक मैंगो को देख रहा हूँ. तेरे को ही देख रहा हूँ मैं येलो टी शर्ट में. ब्लैक मैंगो नहीं ब्लैक मैन. आई सी ब्लैक मैन इन येलो टी शर्ट. कैमरा करो उस पर ब्लैक मैन पर. हाँ येलो टी शर्ट. आप बहुत अच्छा नाच रहे हो. फिर से नाचना मेरे साथ. दर 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 ताली बजाओ. दर 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 ताली बजाओ. दर 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 ताली बजाओ. दर 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 यीशु यीशु नाम सुनाओ. यीशु यीशु नाम सुनाओ. रूह में उसके झूम के गाओ. आंखों से पर्दे हटाओ. प्रतिष्ठ के गीत गाओ. हालेलुया. सुनो. हाँ हाँ. ये बहन आपको सुनना भी इसी समय मुस्तकीन मुस्तकीन. परमेश्वर का आत्मा भी छू रहा है. और इसी समय बहुत सारी गवाही आपके पास आएगी. अब आशीषों को देखोगे. अब और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो. अब अलाबा शबला बबा लबा शबला बबा लबा शबला बा राजा रा 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 ले 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 ले. इसी समय इसके गर्भ को छोड़ दे. और इसी समय दुष्ट आत्माओं चलो निकल जाओ. मुंह खोलो और चिल्लावर निकल जाओ बाहर. चलो आउट. माइक कर बाहर बाहर बाहर. मुंह खोलो और चिल्लावर निकल जाओ. चल इसके अंदर से आ रा 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 बाहर. खाया पिलाया बाहर. तुझे खाया पिलाया जो इसी से बाहर आओ. बाहर आओ. तलाक कराने वाली आत्माओं इसके घर को उजाड़ करने वाली पांच करने वाली आत्मा बाहर आ जा. मैं देख रहा हूं तुझे. चल जाए यीशु मसीह के नाम में. इसी समय परमेश्वर ये मुस्तकीन मुस्तकीन न रहे आज से माँ बन जाए यीशु मसीह के नाम में. ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में. क्या विश्वास करते हैं ब्लेसिंग मिल रही है? Do you believe that you are receiving blessing? जिसके पास बेटा नहीं है कम है यार फटाफट एक एक लेडी सिर्फ एक एक. The ladies who are not having baby come forth. जिसके पास बेटा नहीं एक ही लेडी आए. The ladies who are not having baby kindly come forth. लाइन लगाओ. आराम से लाइन लगाओ. शाबाश. कोई ऐसे नहीं धक्का मुक्की नहीं करना पीछे. एक एक गैप 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 गैप. फिर से गो फिर से गो फिर से गो. आंखों से पर्दे हटाओ. प्रस्तिश के गीत गाओ. मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किल. मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किल. उसकी अजब है हर एक बार. हल मुश्किल. सब कहें विश्वास के साथ. विश्वास के साथ कहें यीशुआ. अपनी आवाज में गाओ. शाबाश. आज जितना पुकार सकते हो पुकारो उसको. आज यीशुआ आपको बैठे बैठे आपके फोन में मिराकल मनी होगी. आपके फोन में गुड न्यूज आएगी चर्च. आपके फोन में ब्लेसिंग आएगी. आज एक नई अच्छी खबर आएगी. पिछले बैठ जाओ नीचे. वो लाइन में खड़े नहीं रहेंगे बैठ जाएंगे नीचे. पीछे जाओ पीछे पीछे बेटे.
छेती छेतिया मेरे बोले छेती छेतिया छेती मेरे बोले छेती छेतिया छेती छेतिया मेरे बोले छेती छेतिया छेती छेतिया सारे बोले हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और सुनो, कुछ मैं दूंगा उसके बाद आपको सबको कैमरे से इस साइड में आगे बैठ जाना है, ठीक है, इधर मुंह करके इधर एरिया छोड़ देना, ठीक है, उसके बाद आगे बैठ जाना सबको, वो लाइन में ऐसे इधर मुंह करके बैठ जाना है। हाँ, हाथों को उठाओ, शाबाश, जल्दी फटाफट, और इसी समय विश्वास करना, आज आए पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, आज इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, बहुत सारी बहनें परमेश्वर आज बच्चे की आशीष को लेकर जाए, आज यीशु मसीह के नाम प्रभु बड़ा छुटकारा होने पाए, आज पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर बड़ी आशीष खुलने पाए इनके लाइफ में, मिराइकल पर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाथ ऊंचे करो पवित्र आत्मा, इनके रोने को देख, इनके चिल्लाने को देख, पवित्र आत्मा इनके हाथों की ओर देख, मैं भविष्यता होने के नाते, इनके स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, इनके ऊपर से उस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूँ आपके हाथों से, आपके खिलाफ किसी ने शराब दिया हुआ तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जिसको लगता है मेरा बिजनेस बंद है, पिछले भी, जिसको लगता है मेरा काम काज चल नहीं रहा, जिसको लगता है कि मुझे कोई दवाई नहीं लग रही, इसका मतलब कोई शराब आपके मुंह पर किसी ने दिया हुआ है, पीठ पीछे दिया हुआ है, जो मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मान रहे हैं, मैं इसी समय आपके ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप कमाएंगे इस वर्ष में, आप आशीष को देखेंगे, खड़े खड़े देखेंगे, आपकी गवाहियों पर गवाहियां आएंगी, आप बदल जाएंगे आज के बाद, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, शाऊल पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया, पवित्र आत्मा अंदर आएगा, पवित्र आत्मा की छाया से मरियम गर्भवती हो गई, पवित्र आत्मा आएगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अपने हाथों को उठाओ, मैं तीन गिन रहा हूँ, वो आ रहा है, जोर से बोलो यीशु, एक दो तीन, वो आ गया, फायर, टच, रिलीज, रिलीज, फायर, फायर, टच, टच, अपने पेट पर हाथ रख लो, नीचे बैठ जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके पेट पर इसी समय पवित्र आत्मा तेरा हाथ आने पाए इनके गर्भ में से, इसी समय वो कीटाणु बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर जाएं, आउट, निकल आओ, रसोलियां, गिल्टियां, गांठें, इंफेक्शन, बाहर, चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, आपके हाथ, आपके पैर कांप रहे हैं, निकल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, निकल आ रहा, बाहर टच करे, जिसके पेट पर हाथ रखा है पवित्र आत्मा, जिसने अपने पेट पर हाथ रखा है, मांगो पवित्र आत्मा से, आज मांग लो, आज पवित्र आत्मा तेरा फेवर होने पाए, तेरे लोगों के साथ तेरा फेवर होने पाए, ये पवित्र आत्मा इस साल में परमेश्वर माँ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके हस्बैंड आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके हस्बैंड आशीषित होने पाए, अपने पेट पर हाथ रखो, आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ, यू आर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस्ड हो जाओ, ब्लेस्ड करता हूँ आपकी नसों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, इसी समय आपके गर्भ को ब्लेस करता हूँ, आपके पति को ब्लेस करता हूँ, और इसी समय परमेश्वर इनकी नाम दराई दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अब इसी समय मैं देख रहा हूँ आपको बच्चे की आशीष मिल गई है, जिसको मिल गई है, तीन बार उछल उछल के बताओ, अपनी सांस को बता दो, आज जाके मां बन गई मैं, दियो मेरे बल छेती छेतिया, छेती छेतिया 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 मेरे बल छेती छेतिया, मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किल, मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किल, उसकी आस
सब है हर एक बात अल्ली मुश्किला 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 मेरा ये तू है मेरी अल्ली मुश्किला सब गए खाली एक बात अल्ली मुश्किला 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 ये सुख है मेरी अल्ली मुश्किला मेरा ये सुख है मेरी अल्ली मुश्किला सब गए खाली एक बात अल्ली मुश्किला अल्ली मुश्किला अल्ली मुश्किला अल्ली मुश्किला अल्ली मुश्किला अल्ली मुश्किला आँखों से पर्दे हटाओ प्रतिष्ठ के गीत गाओ आँखों से पर्दे हटाओ आँखों से पर्दे हटाओ प्रतिष्ठ के गीत गाओ आँखों से पर्दे हटाओ आँखों से ताली बजाओ प्रतिष्ठ के गीत गाओ तल 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 ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ यसु नाम सुनाओ रूम में उसके झूमते गाओ आँखों से पर्दे हटाओ प्रभु के गीत गाओ तल 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 ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ तल 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 ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ तल 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 ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ यसु यसु नाम सुनाओ यसु यसु नाम सुनाओ रूम में उसके झूमते गाओ आँखों से पर्दे हटाओ प्रभु के गीत गाओ आँखों से पर्दे हटाओ हाथों से ताली बजाओ प्रतिष्ठ के गीत गाओ ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ मेरा ये सुख है मेरी अल्ली मुश्किला सब है हर एक बात अल्ली मुश्किला 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 आँखों से पर्दे हटाओ प्रस्तिश के गीत गाओ हाथों से ताली बजाओ प्रस्तिश के गीत गाओ
छेती छेती आ मेरे बल छेती छेती आ 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 यीशुआ ये ब्रदर अपने भाई की गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं एक हफ्ते पहले बिल्कुल टोटली मेंटल हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया, साथ में पैरालाइज भी हो गया कि दवाइयां खाओ, टेस्टों के लिए बोल रहे, टेस्ट कर रहे थे, दवाइयां दिला रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। विश्वास के साथ बता रहे हम, जब संडे लास्ट संडे चर्च लेकर आए यहां से, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया था कि जितने आप यहां पर खड़े हो आपके घर में बड़े मिराकल होने वाले हैं। रिसीव किया, पागलपन से एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल आजाद हो गया। मैं जिसी को छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। गवाही देंगे सारे कलेसिया को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मेरे भाई को एक हफ्ते पहले पैरालाइज और बिल्कुल पागलपन हो गया था, ये बिल्कुल बेड पे हो गया था और ये यहाँ से पापा जी से प्रोफेसी हुई और एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और हमने प्रार्थना की और पापा जी से लैंड करे प्रे कराई और ये आजाद हो गया मेरा भाई एकदम। ये वीडियो है आपके पास? जी जी, ये आप देख रहे हैं भाई, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ आया है और ये दिखाएं एक बार वीडियो में। इसे अपना नाम भी नहीं पता था, इसे नहीं पता मैं कौन हूँ क्या कर रहा हूँ। जब ये आया था पिछले संडे आया था यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, और प्रॉफिट जी ने इसके लिए प्रोफेसी किया और इस पूरी फैमिली ने विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे आजाद किया। आज बिल्कुल चंगा है, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से। हाँ गवाही देंगे, गवाही देंगे सब लोगों को जय मसीह की। जी जय मसीह की बोलो सारे। हाँ मैं बीमार हो गया था और
किस किस को पहचान नहीं पा रहा था और 10 दिन मैं बीमार रहा, पूरा शरीर डाउन हो गया था मेरा। हाँ अभी चंगा हो गया है? हाँ अब चंगा हो गया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूँ ये इतना भी बोल नहीं पा रहा था, आज बोल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद है। अरे परमेश्वर दया करने वाला, जितने विश्वास कर रहे हैं आजाद होंगे, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं जिस को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिस को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। पाछी ये बेंतरी 3 साल से गुप्त रोग था, बता रही मैं बहुत ज्यादा इलाज दवाइयां खरीदी लेकिन चंगी नहीं हो पाई। विश्वास के साथ जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस कोड से, उस गुप्त रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं जिस को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिस को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे 3 साल से गुप्त रोग था, 90 वाटर ऑयल लगाया और मैं चंगी हो गई। कितने साल से बैन प्रॉब्लम? हालेलुया। कितने साल से थी? 3 साल से। 3 साल से गुप्त रोग था, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर विश्वास के साथ यूज किया, आजाद हो गए बिल्कुल। ताली बजाएंगे जोर से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। आपने अभी सुना एनॉइंटिंग ऑयल वाटर विश्वास के साथ यूज किया, उसमें वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा जाओ बीमारों पर तेल मलो और उन्हें चंगा करो। इसने विश्वास के साथ लगाया, यहां से लेकर गई और परमेश्वर के दास ने उपवास प्रार्थना के साथ वो अनॉइंटिंग ऑयल वचनों के द्वारा तैयार किया और परमेश्वर ने दिया हम लोगों को। और विश्वास के साथ जो लोग यूज करते हैं, आपके सामने गवाहियां आ रही हैं, जो लेना चाहता है पीछे से ले सकता है। और आप देखोगे कि बड़े बड़े मिराकल हो रहे हैं। आप पड़ोसी है आपका, उसको दे दो जाकर, वो बड़ी गवाही को देखेगा। बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया और लेकर गए, अपने पड़ोसियों को भी दिया, उनके जीवन में भी जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, बड़ी बड़ी गवाहियां आई और वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पर्ची बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहा है कि 5 साल से इनको पाइल्स था और बता रहा है मैंने बहुत दवाइयां खाई लेकिन चंगा नहीं हुआ। डॉक्टर ने लास्ट टाइम ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। विश्वास के साथ जैसे चर्च में आया, यहां से एनॉइंटिंग ऑयल लेकर के यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस पाइल से बिल्कुल आजाद हो चुका है। मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। पास्टर जी को जय मसीह की। जय मसीह की। और पीबीएस मिनिस्ट्री को जय मसीह की। पास्टर जी मेरी गवाही है कि मैं 5-6 साल से इस रोग से बहुत प्रॉब्लम में था और जब से मैंने इस मिनिस्ट्री में कदम रखा और पापा जी की प्रोफेसी को रिसीव किया, मेरा ये रोग चला गया। हाँ। कितने सालों से था? 5-6 साल से। 6 साल से। हाँ। अभी बिल्कुल आजाद हो गए हो? बिल्कुल आजाद हूँ। एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया? हाँ, एनॉइंटिंग वाटर यूज करता हूँ और प्रोफेसी को भी रिसीव किया। आपने विश्वास किया? हाँ, विश्वास किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, आप आजाद हो गए। जितने सुन रहे हैं आज रिसीव करना, ऑनलाइन चर्च कलीसिया आमीन बोलना, हालेलुया बोलना, परमेश्वर की महिमा करना, आप आजाद होंगे यीशु के सामने। डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ चुपचाप। हालेलुया। पासी सिस्टर बता रही है 5 साल से इनको फिट्स पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे, बता रही है बहुत जगह इलाज हुआ इनका लेकिन कहीं चंगे नहीं हुए। विश्वास के साथ जैसे ही स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई, उस फिट से, उस दौरे पड़ने से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। जिस को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिस को सुनूंगा। गवाही देंगे सबको जय मसीह की। पास्टर जी को जय मसीह की। मेरे को 5 साल से फिट्स पड़ते थे, कई बार मैंने इलाज कराया हर जगह, जिसने बोला कि वहाँ पे जाओ, दवाई खाई, कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक दिन प्रोफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में सुना था लाइव में कि यहाँ पे आओ, हर एक बीमारी रोग चंगे हो जाते हैं।
तो मैंने स्पेशल ले हैंड की करवाई और मैं फिट्स की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी हूँ बिल्कुल। कितने साल से? हालेलुया। सिस्टर आपको कितने साल से ये प्रॉब्लम थी? 5 साल से। 5 साल से प्रॉब्लम थी। आप सुन रहे हैं, इस बहन ने गवाही दी कि मैंने लाइव देखा और किसी ने बताया इनको कि यहाँ पर जा और परमेश्वर तेरे पे अनुग्रह करेगा, और ये बहन आई, इसने बीज बोया परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रेयर कराई, ले हैंड प्रेयर कराई और आज आपके सामने गवाही के साथ है। आज परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़े करने वाला है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज अपने हाथों को उठाकर कलीसिया ताली बजा रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आप भी गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। पासी माता बता रहे कि 3 साल से इनको गुप्त जगह पर बहुत ज्यादा एलर्जी थी, बता रहे पस निकलती थी खजाते हुए, लेकिन विश्वास के साथ जैसे एनवेंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, उस कोर से, उस एलर्जी के शराब से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं किसी को सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, सबको जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मेरे 3 साल तक गुप्ती जगह दाद थे, बहुत एलर्जी भी थी, मैंने प्लेयर करवाई और इस चंडीगढ़ तक प्रार्थना करी, मैं आजाद होगी। चंडीगढ़ में माता किससे कराई प्रार्थना? पापा जी से करवाई थी। पापा जी से कराई, प्रॉफिट जी से कराई थी? हाँ, उससे करवाई थी, जो ये प्लेयर कर रहा है उन तक करवाई थी। उसके बाद क्या हुआ? चंगी होगी मैं। कितने साल से थी ये दाद खिजली? 3 साल से। क्या होता था इस खिजली के कारण? खुजली से प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, समस्या होती थी, मेरे घड़े एलर्जी। ये एक श्राप है, ये एक प्रॉब्लम है, समस्या है बहुत बड़ी, बाइबल में लिखा है। पर जब आप विश्वास करते हैं, आप किस जगह पर है, आप अनॉइंटेड जगह पर है, आप परमेश्वर की हजूरी में है, एक अभिषिक्त जगह पर आप आए हैं, जब आते हैं तो यहाँ पर बंधन टूट जाते हैं। जब अभिषेक किसी के जीवन में जाता है तो कर्जे चले जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, लोग सालों साल के बंधन से आजाद हो जाते हैं। आज जितने आजाद होना चाहते हैं गवाही के लिए, जितना आप ताली बजाओगे उतनी गवाहियां आपकी बनने वाली है। तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मदद के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मदद के काम देखो, 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 खुदा की मदद के काम देखो। ओ चुपचाप तुम, ओ चुपचाप तुम, ओ चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो, 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 खुदा की नजात के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े रखो, डरो मत, 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 डरो डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रखो। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जितने लोग आदर कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग गुस्से में आज हाथ उठा के बताओ, परमेश्वर उनको गुस्सा शांत करे आज यीशु के नाम में। हाँ जी जी, गवाही के साथ शाबाश। हाँ बताएंगे प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये सिस्टर बता रही है कि 1.5 साल से इनकी बेटी स्पेन की PR के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बार बार रिफ्यूजल आ रही थी, और 4 साल से इनका बेटा कनाडा के वीजा के लिए ट्राई कर रहा था,
लेकिन विश्वास के साथ जैसे इन्होंने स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रेरक करवाई, बता रहे इनकी बेटी की स्पेन की पिया